बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैगी ऑमलेट का नाश्ता, जिसको आप एक बार देखेंगे रेसिपी को तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। ये इतना ज़्यादा यमी और टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाश्ते को बनाना। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 टेबल स्पून के बराबर, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसमें से थोड़ी सी प्याज बचा लेना है और यहाँ पर पूरी प्याज ऐड कर देना है। और बस प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना है, जब प्याज हल्की सी पिंक कलर की होने लगे तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है उसको ऐड करना है, लेकिन थोड़ा सा टमाटर टमाटर को भी बचा लेना, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे, उसी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लें। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप टेस्ट खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च ऐड कर दें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी बारीक चॉप करके, और फिर 1 कप पानी डालेंगे। और पानी डालने के साथ ही हम इसमें यहाँ पर बड़ा पैकेट मैगी का डालेंगे। और फिर ये देखिए, थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो पानी थोड़ा सा मैंने और डाला है। बस हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैगी का 1 पैकेट पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैगी बना रहे हैं तो बिना मसाले के तो मैगी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसके लिए मसाला ज़रूर डालें। और फिर जब तक कि ये मैगी हमारी पक रही है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 अंडा, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, तो आप यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो हम थोड़ी सी प्याज बचा कर रखे थे वो, थोड़ा सा टमाटर जो बचा कर रखे थे। और बस इन सारी चीज़ को हम अच्छे से बैठ लेंगे, जब तक कि सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। और जब ये आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से, तो इसको हम रखेंगे साइड में और हम मैगी को देख लेते हैं। तो मैगी भी यहाँ पर देखिए पक जा रही है, बस हाई फ्लेम पे इसको पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है मैगी में, तो इसको हम साइड में रखेंगे। और फिर यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा पैन, या फिर आप चाहें तो ये मैगी को हटा के यही पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बस थोड़ा सा तेल डालेंगे ये ऑमलेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हम अंडे में सारी चीज़ मिक्स करें, एक मरतबा इसको अच्छे से मिक्स करें और पूरा अंडा इसके ऊपर डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो करें, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने दें, और इसको थोड़ा सा कवर कर दें ताकि जल्दी से ये अंडा कुक हो जाए। 2 मिनट के लिए कवर करना है, और 2 मिनट बाद देखेंगे जब ये अच्छे से सेट होने लगे। तो थोड़ा सा इसे बस ये देखिए हटा के देखेंगे, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो बस थोड़ा सा इसको फैला देंगे ताकि अंडे में कच्चापन बिल्कुल ना रहे, और फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज अगर आप चाहें तो साइड को चेंज कर दें, लेकिन यहाँ पर देखिए मैगी इस तरह से रखेंगे, जो हम पूरी मैगी बना कर रखे हैं वो इसके ऊपर पूरी डाल देंगे, और फिर ऑमलेट को इसके ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बस करना क्या है कि आपको इसको पलट के भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि अंडा अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से ये अंडा, ये देखिए टूट गया था, तो कोई बात नहीं, खाना ही ऐसे। तो बस ये ज़बरदस्त हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, इसको हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो उम्मीद है कि आपको नाश्ता बनाने की ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर से ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, तो इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए।